बिग बॉस 14 के घर से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। और आप सभी को बता दूं कि अभी कैप्टेंसी टास्क चल रहा था बिग बॉस 14 के घर में, जिसमें तीन दावादार थे, राखी सावंत, जसमीन वसीन और अली गोनी। और आप सभी को बता दूं कि इन तीनों के बीच हुआ है कैप्टेंसी टास्क, और जिनका नाम आ रहा है नया कैप्टन के रूप में। उसके बाद आप लोगों के जो है एक्साइटेड और बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इनका प्रदर्शन जो है बिग बॉस के घर में अभी तक ठीक ठाक रहा है। तो बिना देरी किए आप सभी को बता दूं कि जो बिग बॉस 14 के नए कप्तान बने हैं उनका नाम है अली गोनी। जी हाँ, अली गोनी बन चुके हैं बिग बॉस 14 के घर के नया कप्तान। अगर हम बात करें ये कप्तान कैसे बने, तो आप सभी को बता दूं कि इनके कप्तान बनने में पूरा घर का साथ इनको मिला, और जो इनके टीममेट नहीं है, जो इनके पक्ष में नहीं रहते हैं घर में, उन लोगों ने भी अली गोनी का साथ दिया इस कैप्टेंसी टास्क में, जिसके कारण से वो बन गए हैं अगले और नए कप्तान बिग बॉस 14 के। तो अली गोनी के फैंस के लिए बेहद ही खुशखबर है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब अली गोनी पहली बार बिग बॉस के घर में आए थे तब भी वो कप्तान बने थे। अब जब से दोबारा से लौट के आए हैं तो फिर पहले हफ्ते में ही जो है वो कप्तान बन चुके हैं। तो अली गोनी का जो गेम है बिग बॉस के घर के अंदर वो बेहद ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो इस पर आप लोगों का क्या है कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि अली गोनी की कप्तान बनने से बिग बॉस के घर का माहौल जो है वो अच्छा होगा या फिर ख़राब होगा, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का ज़रूर बटन प्रेस कर दे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।